नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में औरंगाबाद पुलिस को बीते दिन उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने हार्डकोर नक्सली महेंद्र यादव को धर दबोचा। गुप्त सूचना के अनुसार औरंगाबाद अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका के निर्देश पर वांछित नक्सली रफीगंज के पचार गांव निवासी महेंद्र यादव को घर से गिरफ्तार किया गया। नक्सली के विरुद्ध रफीगंज थाने में आर्म्स एक्ट में नामजद अभियुक्त और कोच थाना क्षेत्र में नक्सली वारदातों के मामले में प्राथमिकी दर्ज थी। औरंगाबाद जिले के एएसपी अभियान शिव कुमार राव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रफीगंज थाना क्षेत्र के प्रचार गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद और गया पुलिस को कई नक्सली वारदातों में महेंद्र यादव की तलाश थी। रफीगंज थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी अभियान शिव कुमार राव ने इस संबंध में अधिक जानकारी दी। एसएसपी के पार्टी रहे और अपने एसटीएफ के जवान थे और कोच थाना अध्यक्ष के सम्मिलित टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस कप्तान सुधीर कुमार पोरिया को गुप्त सूचना मिली थी कि हार्डकोर नक्सली महेंद्र यादव रफीगंज के पचार गांव में रह रहा है, जिसको लेकर एक टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जिस निर्देश के आलोक में कई थाना तथा एसटीएफ के जवानों के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें सफलता हाथ लगी।